और चलो चले में आज हमारी गाड़ी जो चलकर आ चुकी है सिग्नेचर ब्रिज से थोड़ा सा आगे इधर बुराड़ी साइड की तरफ हम आ चुके हैं। आज हम खाने आए हैं थोड़े चटपटे से गोलगप्पे। गोलगप्पे तो हर किसी को पसंद होते हैं, खासकर लड़कियों को तो सबसे ज़्यादा। तो लड़कियों के लिए मैं ऐसा मतलब गोलगप्पे लाई हूँ दिल्ली के अंदर, मतलब चार पानी के गोलगप्पे हैं यहाँ पे। जैसे हम कहीं बाहर जाते थे तभी हमें चार पानी या ऐसा कुछ मिलता था, अलग अलग नज़ारा। लेकिन हमारे घर के बहुत ही नज़दीक यानी कि सिग्नेचर ब्रिज को क्रॉस करने से थोड़ा सा ही आगे बस हमारे राइट हैंड साइड पर भैया खड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात कि एमपी के फेमस मशहूर, मतलब एमपी के काफ़ी मशहूर गोलगप्पे हैं ये, जिसमें चार तरह का पानी आपको मिलेगा। चार तरह का पानी है इसमें, इसमें हींग का पानी है, इसमें पुदीने का पानी है, एक मीठा पानी है और एक कौन एक लहसुन का पानी है। लहसुन का पानी तो मैंने भी आज पहली बार सुना हुआ है। तो आज हम आए हैं और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बताया था उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने प्रेफर की थी ये वाली जगह, तो मैं उनके कहने से यहाँ पर आई हुई हूँ आज। तो हम चलते हैं, भैया से मिलते हैं और अच्छे से गोलगप्पे टेस्ट करते हैं। वीडियो के लिए तो मैं सिर्फ थोड़ा ही खाऊंगी, लेकिन कैमरा बंद करने के बाद मैं बहुत सारे खाने वाली हूँ, क्योंकि गोलगप्पे मुझे बहुत 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 पसंद है मुझे। तो अब मैं जा रही हूँ भैया से गोलगप्पे खाने के लिए, उनसे पूछूंगी थोड़ी सी मेकिंग और उसके बाद हम लेने वाले हैं ज़्यादा से गोलगप्पे और खाएंगे, फिर आपको बताएंगे उसका टेस्ट। तो चलो चलते हैं। दोस्तों भैया तैयार कर रहे हैं, तो भैया आप इसमें क्या क्या मिला रहे हो ये बताओ। पहले आलू। आलू हाँ। अच्छा, फिर हरी मिर्ची। हरी मिर्ची, फिर मटर। मटर, अच्छा ये आप अंदर का पेस्ट बना रहे हो अभी। हाँ। ओके, जरा एक बार ना आप हमारे दोस्तों को टाइमिंग भी बता दो आप अपनी, क्योंकि आप कितने बजे से कितने बजे तक रहते हो। हम 3 बजे आ जाते हैं। अच्छा। और 9:30 बजे तक रहते हैं। तो दोस्तों 3 बजे भैया आ जाते हैं यहाँ पर और 9:30 बजे तक रहते हैं। कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा भी रुक जाते हैं भैया? नहीं हाँ, रुक जाते हैं कभी, टेंशन नहीं लेना। अब आपने ये क्या डाला? प्याज। प्याज। अच्छा, ये क्या डाल रहे हो आप? मसाला। इस मसाले में क्या है? इसमें काला काले काली मिर्ची है और धनिया है। अच्छा, और जीरा है। जीरा, तो आप सारे पानी में डालोगे? हाँ जी, ये सारे पानी में डालेगा। यम्मी यम्मी। तो भैया आप यहाँ कब से लगा रहे हैं? हमको अभी नहीं, 3 महीने हुए हैं ज़्यादा नहीं। अच्छा, 3 महीने। तो आप बता रहे थे आपका ये एक और मतलब आगे भी कहीं लगता है? हाँ, उस तरफ लगता है। अच्छा, वो भी आप बताओ हमारे दोस्तों को कहाँ किस साइड लगता है वो। अभी आज नहीं है वो, 3:30 बजे करीबन आए। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये क्या मिला रहे हैं आप? ये दही है, दही पकड़ी बनाती है। अच्छा, लास्ट में जो दही वाली पपड़ी मिलती है वो। अच्छा, तो बस धीरे धीरे सब शुरू होने वाला है और हमें बहुत जल्दी मिलने वाले हैं गोलगप्पे, वो भी चार कलर मतलब चार पानी वाले। तो चलो गाइस, आ गया हमारे पास छोटा सा, वह मुझे सारे खिलाना एक एक करके। थोड़े ना छोटे देना, मेरा मुँह भी छोटा है। तो भाई ये कौन सा पानी मिलाया आपने? ये पुदीने का है। तो दोस्तों ये पुदीने का पानी है। ये लहसुन का है। ये लहसुन का पानी है। ये लहसुन का पानी है, देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी क्रिस्पी गोलगप्पे हैं। ये मीठा है। ये कौन सा पानी भैया? ये हींग का है। ये हींग का पानी है। हमारा नाम कृष्णा है। कृष्णा, तो कृष्णा भैया अभी बताओ आप यहाँ गोलगप्पे कब से लगा रहे हैं? अभी 3 महीने हुए हैं। 3 महीने हो गए। हाँ।
ओहो, तो मतलब चार पानी का आइडिया कहाँ से है आपको कि लोगों को चार पानी का गोलगप्पा? तो हमारे पहले हम छह पानी लगाते थे, पहले छह लगाते थे, दस के छह चलाते थे। अच्छा, पर जैसी जैसी महंगाई होती गई तैसा काम कर दिया था। तो ये दोस्तों हमारी फोटी किस्मत, भैया ने छह से चार पानी कर दिया। तो मतलब जैसे जो लोग सिग्नेचर से आएंगे वो सीधे आके खा सकते। कैसे, पहले कहाँ लगाते थे आप? पहले हम अपने गांव में लगाते थे। अच्छा, पहले गांव में लगाते थे, फिर आप दिल्ली आ गए। चार गोलगप्पे जिसमें चार अलग अलग पानी थे, चारों मैंने खा लिया है। चारों में से सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे वो लहसुन का पानी लगा था, वो बहुत टेस्टी था। अब चार के बाद मुझे एक मीठी पपड़ी मिल चुकी है जिसमें दही और काफ़ी कुछ मिला हुआ है, देख सकते हैं आप। तो मैं इसको खा रही थी क्योंकि ना मुझे थोड़ा मिर्च लग रही है, मतलब चटपटा था काफ़ी। और बहुत इतना क्रिस्पी क्रिस्पी गोलगप्पे, सच में बहुत टेस्टी है। खा रहे थे यार, मिर्च लग रही है मुझे बहुत। चार गोलगप्पे खाने के बाद जो आपको एक बार ये मिल जाती है ना मीठी, ऐसा लगता है हमने क्या हासिल कर लिया। सच में ये तो हाँ बहुत टेस्टी है। मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन बता देती हूँ। तो दोस्तों मेरे पीछे सिग्नेचर ब्रिज है और मेरे राइट हैंड साइड पर निरंकारी का सत्संग जो होता है, निरंकारी भवन वाला, वो है निरंकारी चौक है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, जस्ट उसके सामने ही भैया लगाते हैं। भैया की टाइमिंग 3 बजे से 9:30 बजे तक होती है और उनकी एक ब्रांच थोड़ा आगे भी लगती है, तो जो लोग उधर की साइड से आते हैं वो वहाँ पे भी खा सकते हैं। तो अगर आप आते जाते हैं यहाँ से, अगर सिग्नेचर ब्रिज से हर कोई गुजरता ही है, तो जो आते जाते हैं आप यहाँ से खा सकते हो। 10 रुपये के चार गोलगप्पे मिलते हैं और लास्ट में एक आपको बढ़िया सी मीठी वाली पपड़ी मिलती है। खूब सारे भर भर के गोलगप्पे खा लिए हैं, उसके बाद पपड़ी भी मैंने खा ली है। हालाँकि कैमरे में थोड़े कम दिखाई दिया है पर मैंने थोड़े से ज़्यादा ही खा लिया है। तो ठीक है, मैं गोलगप्पे खा चुकी हूँ, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ लोग, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे और कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या क्या ट्राई करना चाहिए। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, जो लोग यूट्यूब मतलब मुझे कमेंट नहीं कर पा रहे वो मुझे इंस्टा पर डायरेक्ट DM कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है chalochale4, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी प्लीज़ फॉलो करें। मेरी फेसबुक की भी ID है chalochale, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट DM कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप करिए नेक्स्ट वीडियो का वेट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। आज तो हम चलते हैं पीछे, देखो पीछे।